हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 पर बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर क्या हुआ, क्या यहां पर रिजल्ट कल घोषित होगा या फिर रिजल्ट कब घोषित होगा। बहुत सारी अलग अलग वीडियोज़ बन रही है, बहुत सारी फेक वीडियोज़ बन रही है, काफ़ी भ्रम जो यहाँ पर फैलाया जा रहा है, अफवाह जो यहाँ पर चल रही है कि ये जो भर्ती है वो रद्द होगी। अहिंसा विभाग का स्पष्ट जवाब है वो नहीं मिला है, यानी इस पर जो है यहाँ पर काफी विडंबना है, यानी जो चर्चा है हो रही है वो बहुत ही गलत तरीके से चर्चा है हो रही है। स्पष्ट कोई भी नहीं बता रहा है कि इस भर्ती को लेकर क्या अपडेट है। अब मैंने भी कल जो आपने दो दिन पहले भी इस महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 पर वीडियो बनाई थी, काफी सारे स्टूडेंट के कॉमेंट आए कि इस भर्ती को लेकर क्या कोई सटीक आपके पास अपडेट है या फिर नहीं है, क्या हाईकोर्ट इस स्टे ऑर्डर को हटाएगा या नहीं हटाएगा, क्या आचार संहिता से पहले इस भर्ती को स्पष्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कोई ऑफिशियली अपडेट है या नहीं है। इस वीडियो में आप सभी को, ये वीडियो थोड़ी लंबी बनने वाली है, लेकिन महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 को लेकर आपके मन में जितनी भी जो चर्चा है, जितने भी सवाल है इस भर्ती को लेकर, वो स्पष्ट होने वाला है। क्या अहिंसा विभाग स्पष्ट जवाब दे पाया या नहीं दे पाया, इस विभाग के द्वारा जो स्पष्ट जवाब दिया है उसकी जो पुष्टि है क्या हाईकोर्ट कर पाया है या नहीं पाया है, क्या कल रिजल्ट घोषित होने की बात चल रही है, क्या जानकारी आपको जो यहां पर सटीक मिलने वाली है। इस वीडियो में आप सभी को एकदम सटीक जानकारी मिलेगी। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस। सबसे पहले तो कमेंट यही आ रहा है कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को लेकर सबसे पहले तो जो अहिंसा व शांति विभाग से जो जवाब मांगा गया था कि इस भर्ती प्रक्रिया को कैसे करवाया जा रहा है, यानी वैधानिक तरीके से इस भर्ती को नहीं करवाए जाने पर जो रोक लगी थी, जो इस भर्ती के नियुक्ति पर रोक लगी थी, ठीक है, बाकी इस भर्ती पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई थी, सिर्फ और सिर्फ इसकी नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी और रिजल्ट जारी करने पर जो है यहाँ पर रोक लगाई गई थी, ठीक है। तो क्या अहिंसा शांति विभाग जो है जवाब को स्पष्ट, यानी इसकी पुष्टि हाईकोर्ट से कर पाया है या नहीं कर पाया है, क्या अहिंसा व शांति विभाग ने क्या जवाब दिया है हाईकोर्ट को, तो बिल्कुल ही 19 सितंबर को जो यहां पर अहिंसा व शांति विभाग ने क्या किया कि इसका जो जवाब है, जो पूरा का पूरा जो ज्ञापन तैयार करके किसको सौंपा है, यहां पर हाईकोर्ट को दे दिया। लेकिन हाईकोर्ट अभी तक इस जवाब की पुष्टि करने में जो यहां पर देरी लगा रहा है, हाईकोर्ट जो यहां पर सुनवाई करने में देरी लगा रहा है, यह बाकी अहिंसा व शांति विभाग से क्या स्पष्ट जवाब दिया गया है, ठीक है। अब उस जवाब की पुष्टि होगी, उसके बाद हाईकोर्ट के द्वारा क्या होगा, उस जवाब की पुष्टि करके यहां पर नया आदेश जारी किया जाएगा इस भर्ती को लेकर। लेकिन कमेंट ये आ रहे हैं कि अहिंसा विभाग के द्वारा जवाब दिया गया तो सबसे पहले तो देरी क्यों हो रही है, ठीक है, देरी का क्या कारण है, तो देरी का कारण कुछ भी हो सकता है, हाईकोर्ट के किसी भी अन्य जो यहां पर मामलों में व्यस्तता के कारण भी जो है देरी का कारण हो सकता है, लेकिन इस पर सुनवाई होगी कब, ठीक है, इसकी सुनवाई होगी कब, क्योंकि आप सभी को पता है विधानसभा के जो चुनाव है, ठीक है, विधानसभा के जो चुनाव है वो अब जो यहां पर 9 अक्टूबर के बाद विधानसभा के चुनावों की घोषणा होने वाली है, ऐलान होने वाला है, तो क्या 7 अक्टूबर के बाद लगभग आचार संहिता लग जाएंगी, क्या लग जाएंगी, आचार संहिता लग जाएंगी, और इस भर्ती आचार संहिता के लगने के बाद इस भर्ती पर न तो नियुक्ति दी जाएंगी न रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले तो यदि हाईकोर्ट स्पष्ट करता है इस भर्ती को, हाईकोर्ट यदि स्पष्ट इस भर्ती को कर देता है तो रिजल्ट व नियुक्ति आचार संहिता के दौरान भी मिलेगी। तो कब आखिरकार कब जो यहां पर अहिंसा विभाग जो है यहां पर शांति विभाग जो है इस पर कार्रवाई करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो यहां पर जो भर्ती है, ठीक है, महात्मा गांधी जो सेवा प्रेरक भर्ती है, ये जो यहां पर किससे संबंधित है, सरकार से संबंधित है, क्योंकि यहां पर जो प्रेरक है वो राजस्थान सरकार को चाहिए होगे, ठीक है, क्योंकि पंचायत स्तर पर, ठीक है, राजस्व ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर जो यहां पर इन प्रेरकों की नियुक्ति होगी। दूसरा कौन विभाग जिम्मेदार है, दूसरा ये जो विभाग है अहिंसा व शांति विभाग है, ये इस जो यहां पर भर्ती का क्या है उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार रहेगा। तो सबसे पहले तो अहिंसा व शांति विभाग के द्वारा जो जवाब दिया गया है इसकी पुष्टि हाईकोर्ट के द्वारा बहुत ही जल्द की जाएगी और इसको लेकर लगभग 2 से 3 दिन में आपको जवाब मिल जाएगा, यानी हाईकोर्ट के नए आदेश से स्पष्ट हो जाएगा कि अहिंसा जो या महात्मा गांधी जो सेवा प्रेरक की जो भर्ती है वो अब आगे होगी नहीं होगी, रिजल्ट जारी होगा, नियुक्ति जारी होगी, क्या होगा इस भर्ती को लेकर, यह स्पष्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे हाईकोर्ट के आदेश की डिले
डिले क्यों हो रहा है, क्या अपडेट है, अब हम ये किन सूत्रों के आधारित बता रहे हैं, हम किन सूत्रों के मुताबिक आपको जो यहाँ पर ये सूचना बता। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती तो हो जाएगी, ठीक है, इसको लेकर हाईकोर्ट का आदेश जारी होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, हाईकोर्ट का आदेश जारी होगा। मैंने आप सभी को पहले भी बताया हुआ है कि जब तक हाईकोर्ट का आदेश जारी नहीं होता तब तक इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का नया जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं होगी, क्योंकि आप सभी को पता है, मैंने आप सभी को बता दिया, DV हो गई है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, इंटरव्यू हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिजल्ट को जारी करना है, और रिजल्ट और नियुक्ति पर क्या लगी हुई है, हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई है, और इस रोक को जो यहां पर हटाने का कार्य कौन करेगा, विभाग करेगा, राजस्थान सरकार करेगी। अब जैसे राजस्थान सरकार और अहिंसा विभाग के द्वारा, ठीक है, अहिंसा विभाग के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा कि ये भर्ती जो यहां पर होगी, इस भर्ती को करवाया जाएगा हमें 50,000, ठीक है, ये कितने पद है, 50,000 सेवा प्रेरकों की सख्त जरूरत है, तो इन प्रेरकों को जो यहां पर क्या किया जाएगा, आचार संहिता के दौरान नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि संविधान जो केंद्र है, पुस्तकालय जो केंद्र है, इन पर इनकी आवश्यकता होगी 50,000 सेवा प्रेरकों की, तो इसलिए इस भर्तियों को क्या किया जाएगा, संचालित किया जाएगा, इसमें प्रक्रियाधीन जो प्रक्रिया जो रहेगी उनको संचालित सुचारू रूप से जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको हाईकोर्ट के द्वारा जो मिलेगा आदेश जो देखने को मिलेगा इस भर्ती को लेकर, जो स्पष्ट जो जवाब मिलेगा आपको, वो आपको 2 से 3 दिन में, आगामी 2 से 3 दिन में ये स्पष्ट हो जाएगा हाईकोर्ट के माध्यम से या फिर आधिकारिक राजस्थान सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा एक नया नोटिस जारी करके ये स्पष्ट हो जाएगा कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती में जो यहाँ पर आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या ये भर्ती प्रक्रिया का जो रिजल्ट है वो जारी होगा, नियुक्ति दी जाएगी, या फिर इस भर्ती प्रक्रिया को यहाँ पर पोस्टपोन किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पोस्टपोन भी जो यहाँ पर किया जाता है तो इनको नियुक्ति बाद में मिलेगी। तो सबसे पहले तो जो भर्ती रद्द को लेकर जो आपके मन में जो सवाल है भर्ती रद्द को लेकर, तो बिल्कुल ये भर्ती क्या नहीं होगी, रद्द नहीं होगी, क्योंकि नियुक्ति पर सिर्फ और सिर्फ रोक लगी गई है, तो नियुक्ति और रिजल्ट जारी करके यहाँ पर इस भर्ती को पूर्ण जरूर किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के लिए ये अस्थायी पदों पर भर्ती जो है यहाँ पर निकाली गई है, कोई स्थायी पद नहीं है। सबसे पहले तो ये क्लियर है, मानदेय भी एक नाम मात्र का मानदेय रखा गया है 4,500 रुपये, तो ये भी स्पष्ट कर दीजिए आप। ठीक है, इस भर्ती को लेकर जो भी आपके मन में जो डाउट है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आखिरकार क्या इस भर्ती को लेकर नेक्स्ट जो अगला जो कदम है, आपको कब नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, इस भर्ती को लेकर क्या स्पष्ट हम उम्मीद रख सकते हैं कि ये भर्ती होगी, 50,000 सेवा प्रेरक नियुक्त होंगे, इस भर्ती को लेकर हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं वो भी। सबसे पहले तो हम अभी तक जो यहाँ पर जहाँ तक, ठीक है, आप सभी को पता है यहाँ पर इस भर्ती पर रोक कब लगी थी, तो 13 सितंबर 2023 को एक हाईकोर्ट का नया आदेश जारी हुआ जिसमें कहा गया कि नियुक्ति पर क्या लगाई जाएगी, यहाँ पर इस जो महात्मा गांधी जो सेवा प्रेरक की जो भर्ती चल रही है इस पर क्या लगा दी जाएगी, रोक लगा दी जाएगी, और ये रोक लग गई। अब 19 सितंबर को जो यहाँ पर जवाब मिला, अहिंसा व शांति विभाग का जवाब दिया गया कि ये स्पष्ट जवाब है, इस भर्ती प्रक्रिया इन नियमों के आधार पर इस भर्ती को करवाया जा रहा है, तो इसकी पुष्टि अभी तक कौन नहीं करवा पाया है, हाईकोर्ट अभी तक इसकी जो यहां पर पुष्टि नहीं कर पाया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आप क्लियर कर दीजिए। अब यहां पर आज हो गई 4 अक्टूबर, ठीक है, 4 अक्टूबर हो चुकी है, और लगभग 7 अक्टूबर के बाद क्या होगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी। ठीक है, और आचार संहिता के द्वारा किसी भी लाभकारी योजना का संचालन नहीं किया जाएगा, किसी नई भर्ती का विज्ञापन या फिर किसी भी की नियुक्ति वगैरह पर रोक लगाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि इस भर्ती में किसी प्रकार का कोई नया आदेश जारी होता है हाईकोर्ट के द्वारा, इस भर्ती को यदि स्पष्ट किया जाता है तो आचार संहिता के दौरान नियुक्ति भी मिलेगी। ठीक है, नियुक्ति रिजल्ट वगैरह सब कुछ प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाई जाएगी। तो सबसे पहले इसका आपको मैंने आप सभी को बता दिया है, आपको 2 से 3 दिन में इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो नया जो आदेश है, किसी प्रकार का जो नया आदेश है वो आपको देखने को मिल सकता है कि इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो है नया आदेश होगा, और नया जो आदेश है वो क्या होगा, या तो हाईकोर्ट से रोक हटा दी जाएगी। ठीक है, हाईकोर्ट से रोक हटा दी जाएगी, या फिर विभाग को बैक रिवर्ट मिलेगा कि इस भर्ती में ये संशोधन करें, फिर इस भर्ती की प्रक्रिया की वापस विज्ञापन जारी करें, इस प्रकार से कुछ आंशिक संशोधन भी जो है यहां पर संभवत हो सकते हैं। किस पे कैसे संशोधन हो सकते हैं, आंशिक संशोधन भी जो यहां पर संभवत हो सकते हैं, तो वो भी आप जो यहां पर क्लियर करें। बाकी जो भी जब भी हाईकोर्ट का नया आदेश आता है आपको
हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक